यूपी न्यूज 24x7 सच्चाई कलम की नोक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर। आजमगढ़ सरायमीर में दबंगों द्वारा ध्वस्त की गई मंडई व दीवार, पीड़ित ने लगाया थाने की गुहार। आइए बताते चले खबर है। उत्तर प्रदेश जनपद आजमगढ़ कोतवाली थाना सरायमीर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मंजीर पट्टी रहने वाले करमचंद पुत्र राम लगन, जो अपने आबादी की जमीन में कई वर्षों से रह रहे थे, जिसमें गांव के ही रहने वाले अरकम पुत्र साहबुद्दीन, इन दोनों ने ईंटे की बनी दीवार व मंडई को गिराकर ध्वस्त कर दिए, जिसमें वीडियो में आज आप साफ देख सकते हैं। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि अकरम व अरकम यह दोनों दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, जो आए दिन किसी न किसी से झगड़ा मार करते रहते हैं। वहीं पीड़ित परिवार ने अपने नज़दीकी थाना पर जाकर के तहरीर देख कर के अपने इंसाफ के लिए गुहार लगाया है कि हमको जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। यह घटना दिनांक 28 मार्च 2022 की सुबह 8 बजे की है। आइए देखिए विस्तार से विशाल मौर्य की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कहाँ कराने वाले हैं? ग्राम मंजीर पट्टी। क्या मामला है पूरा? मामला यह है कि हमारी लगभग 9 साल पुरानी बनी जो मंडी की दीवार है जी, आबादी की, तो हमारे गांव के जो साहबुद्दीन के लड़के अकरम और अरकम, ये दोनों आज सुबह ही आके गिरा दिए। जो बारिश में थोड़ा सा गिर गई थी तो मरम्मत करवाए जी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ मत करवाइए, नपवा लीजिए। हम कहे ठीक है जी। वो नपवाए भी नहीं, हम ही नेपाल बुलवाए जी, नपवाया भी गया। फिर सुलहनामा भी हुआ कि ठीक है, आप अपनी आबादी में काम करिए, हम अपने इसमें काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने नहीं माने और आज जबरदस्ती आए, दीवार गिरा दिए। कह रहे हैं कि जिसको जो करना होगा कर ले, और हम किसी थाने से या किसी को कुछ नहीं समझते हैं। तो क्या इसकी शिकायत आपने अपने नज़दीकी थाना की है? मैं सरायमीर थाना पे दे दिया हूँ, तो हमारे जो एरिया के सब इंस्पेक्टर हैं उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं आज इसकी कार्रवाई देख रहा हूँ, जैसी भी जानकारी होगी आपको देंगे। आप शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? शासन से यही चाह रहा हूँ कि मेरी जो दीवार बनी है वो सही हो जाए और कोई दिक्कत मुझे ना हो, और मैं किसी से झगड़ा या किसी से बहस कुछ नहीं करना चाहता, चाहे नपवा के हो या जैसे भी हो, लेकिन ये करवा दिया जाए। राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।